इनोवा जो कि मारुति की इनोवा है, XUV 300, क्या लुक है इसकी, कलर भी बहुत अच्छे हैं और गाड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मलो मॉर्निंग भैया, और सभी कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ और आज सैटरडे है, छुट्टी भी है और इलेक्शन का दिन भी, अभी वोटिंग वगैरह कुछ नहीं दी, अभी जाऊँगा, अभी तो ना के रेडी हूँ, लेट उठा था, वैसे छुट्टी थी तो मैं सोचा थोड़ा सा लेट उठूँगा, आँख भी लेट ही खुली भाई, तो फिर उठ के रेडी हुआ हूँ अभी। और अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके वोटिंग करके आता हूँ, वोट वगैरह दे के आने के बाद, क्योंकि फ़ोन तो भाई लेके जा नहीं सकते वोटिंग में, तो फ़ोन तो घर पे रख के जाना पड़ेगा, वहाँ अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं है फ़ोन की, तो वहाँ कहाँ रखूँगा, सिर्फ घर पे रख जाऊँगा। 10 मिनट का रास्ता नहीं, आना जाने में मतलब 15-20 मिनट लगेंगे मुश्किल से, अगर वोटिंग में रश नहीं हुआ तो वोट दे के आऊँगा। उसके बाद निकलने का प्लान बना है, एक्चुअली मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, एक मंदिर है इधर भिवाड़ी साइड, मानेसर से आगे, गुड़गांव मानेसर से आगे भिवाड़ी साइड मंदिर है, वहाँ जाना है मंदिर, तो गाड़ी वाड़ी में फैमिली के साथ जाने का बना, अभी तक मेरा प्लान नहीं था, बट अभी भी प्लान फाइनल हुआ है कि वो कह रहे हैं चलो चलते हैं, तो फिर उनका फाइनल था लेकिन मेरा फाइनल नहीं था, तो मेरा अभी भी फाइनल हुआ है, तो मैं चलो यार चलते हैं यार, थोड़ी देर होके आ जाएंगे, 2-3 घंटे जो भी लेंगे, और आने जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पे जो टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितना डिस्टेंस पड़ता है। और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, तो पहले वोटिंग करके आता हूँ, वोटिंग करके बातचीत करेंगे, या देखता हूँ वोटिंग करके सीधा गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी लेके निकलेंगे फिर बातचीत करते रास्ते में। भैया निकल गया हूँ मैं वहाँ से, और पहले घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके गया था मैं वोटिंग करने, वोटिंग करके आया हूँ, देख लो वोट वोट डाल दिया है, और अब निकल गया हूँ जहाँ मंदिर जाने के लिए मैंने बोला था, भिवाड़ी जा रहा हूँ मानेसर से आगे, तो अभी रास्ते में हूँ, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एसी है तो मतलब बैठ पा रहे हैं, तो एसी 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो भाई बैठना ही बड़ा मुश्किल है। और अभी महिपालपुर के आसपास पहुँचा हूँ, महिपालपुर मतलब, और अभी रोड वोड ठीक है, स्मूथ है, क्योंकि आज छुट्टी है, इलेक्शन की वजह से छुट्टी है सब जगह की, और हरियाणा और दिल्ली दोनों जगह इलेक्शन है आज, तो इसलिए हरियाणा भी खाली है, नहीं तो हरियाणा में रश मिलता, तो यहाँ भी पूरा खाली है माहौल, और अब देखते हैं पहुँचने में कितनी देर लगेगी, वहाँ पहुँचते हैं और दर्शन वगैरह करते हैं, तो अभी आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ रोड का क्या माहौल है। आ गया हूँ थोड़ा आगे, और ये जा रही है इनविक्टो इनोवा जो कि मारुति की इनोवा है, और अभी ये ऊपर जा रहा है मेरठ एक्सप्रेसवे का, सॉरी मेरठ एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे, ऊपर से कट गया था राइट में, और रोड खाली है, ठीक है, स्मूथ ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक कुछ है नहीं, इतना खास नॉर्मल ट्रैफिक है, जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आगे देखते हैं मानेसर में, हो सकता है थोड़ा बहुत जाम मिल जाए, अगर मिलेगा तो, अदरवाइज स्मूथ ही रहेगा ऐसा, तो टाइम से पहुँच भी जाऊँगा और इवनिंग तक वापसी आ जाना है, उसके बाद देखते क्या शेड्यूल रहेगा पता नहीं, और आज सैटरडे है, मंदिर भी जाना है, तो आने के बाद देखते हैं मंदिर के दर्शन करके आएंगे, चलते थोड़ा आगे फिर बातचीत करते हैं। भाई ये थोड़ा आगे आ चुके हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है, ये देखो XUV 300 जो नई आई है, कितनी बढ़िया लग रही है, लुक वाइज बहुत प्यारी लग रही है, गाड़ी में कलर भी बहुत अच्छे आए हैं, ब्रांड न्यू कार है, और अलॉय व्हील्स से देखे गाड़ी की लुक तक पूरी कितनी प्यारी लगती है, XUV 300, क्या लुक है इसकी, कलर भी बहुत अच्छे हैं और गाड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, इंटीरियर अभी देखा नहीं है कभी, इंटीरियर भी कभी देखेंगे तो फिर बताऊंगा, गाड़ी बहुत अच्छी है, और अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया अपना पहुंचने का, 15-20 मिनट का और रास्ता है, वहां पहुंच के दर्शन करते हैं उसके बाद फिर वापस निकलता हूं। बाबा मोहन दास जी के मंदिर में आया, चढ़ाई है यहां पे 120 सीढ़ी के आसपास की है, और बिल्कुल खड़ी वाली सीढ़ियाँ हैं, मतलब वैसे तो में जो होते हैं कहीं कहीं खड़ी बिल्कुल वैसी वाली सीढ़ियाँ हैं, अभी दिखाता हूँ कैसी सीढ़ी है, वो पूरी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं आगे तक, और कितना ऊंचा मंदिर है वहाँ तक चढ़ना है अभी, वैसे तो 101 सीढ़ियाँ हैं, 120 सॉरी, तो मंदिर के पास आ ही गया थोड़ा सा ही है, चलो पहुँचते हैं पहाड़ों का मंदिर आके देख लो, चलो भाइयों पहुँचते दर्शन करते हैं। है बाबा मोहनदास यहाँ ऊपर दर्शन करें, ये देखो बढ़ लो यहाँ पे दर्शन करें, सीढ़ियाँ बहुत खड़ी हैं, वो पहाड़ पे कल से मतलब पहाड़ पे बैठे हैं बाबा, श्याम बाबा का रूप ही बताते हैं इनको, तो चलो भाइयों निकलते हैं नीचे उतरते हैं वापस। तो भाई वहाँ से वापस निकल गया था और अब पहुँच गया गुड़गांव, और थोड़ा सा रास्ता और रह गया, ट्रैफिक स्मूथ है, और अब घर पहुँच के बस थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करना है, एक दो छोटे मोटे
काम है, उसके बाद देखता हूँ, हो सकता है टाइम हो ही जाएगा तब तक तो ब्लॉग व्लॉग सब हो जाएगा और निकलूँगा कहीं बातचीत करने के लिए, कि आज ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। ये बिल्डिंग देख लो क्या मस्त लगती है, अलग ही चमकती है गुड़गांव वाली बिल्डिंग तो, बिल्कुल फ्रंट पे है। तो बस आप पहुँच के देखते हैं क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से करके मैं पहुँच जाता हूँ, जो भी छोटे मोटे काम हो करके फिर निकलते हैं कहीं और बातचीत करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या शेड्यूल है, जैसा होता है फिर अपडेट देता हूँ। जरा वहाँ से आने के बाद आप लोगों से थोड़ी और बातचीत करने के लिए, कोई काम तो था नहीं आज, कहीं जाना नहीं है काम से, तो मैंने चलो बातचीत करने का निकल ले जाऊँ कहीं ना कहीं तो। और ट्रेन मिल गई है, बढ़िया हो गया है, यहाँ से राइट ले लेते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा लंबा रूट नहीं लूँगा, ठीक ठाक से लेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए और बीच में आओ सब आओ। तो बस यही है थोड़ी, ओ भाई क्या हो रहा है, ये देखो स्कूटी वाले भाई साहब वहीं रुक गए बीच में, अब रोड पे ट्रैफिक आ गया भाई, क्योंकि दिन में छुट्टी थी सब, इलेक्शन वगैरह के बाद अब वोटिंग वगैरह करके फ्री होके अब निकले हैं, थोड़ा सा चलो घूम ही आए इसलिए। थोड़ा सा टाइम तो लग गया मुझे भी आने में, क्योंकि रश बढ़ना चालू हो गया था रोड पर, इवनिंग हो गई थी तो रश वगैरह बढ़ने हैं, तो नॉर्मल सी बात है कहाँ जाएगा, तो इसलिए बढ़ गया रश बस। अंधेरा हो रहा है, लाइट वाइट नहीं लगा, इलेक्शन नहीं लगता, भूल गए लगता है लाइट वाइट लगा। चलो भाई क्या हो गया, अरे मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं नहीं दिखा रहा, मैं बीच में रहता हूँ, लाइट ना होने से बढ़िया हो गया, डिपर बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। चलो भाई ये तो भाई सर बैक कर रहे हैं, मुझे लगा लेके आ रहा है आगे, बस रुकी हुई है इसकी वजह से जाम लग रहे हैं, दो दो बसें हैं भाई, इलेक्शन की ड्यूटी पे होगी पक्की बात है, ईवीएम मशीन लेने आए हैं, कल ईवीएम मशीन छोड़ने आई थी ये बसें, और अब लेने आए होंगे भाई, क्या चक्कर रहा है, तू इधर दबाएगा उधर दबाएगा क्या करेगा। चलो भाई बस वाले तो दबा ले, बहुत है भाई गाड़ी का साथ, अब तक तो पता नहीं चल रहा था बाइक पे हो, तो इतनी में भी इतनी गर्म हवा सी लग रही है, बस ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ आ गया, चल जाएगी कल तो भाई। भाई चलो भाई आगे निकल गया बाइक वाले, जो हो क्या हो गया चला चल गया, साइड लेना मुश्किल हो जाता कभी कभी तो लोगों से, डिप्पर मार मार के भी लगता है साले बीच, सॉरी डिप्पर मार मार के भी लगता है कि बीच में ना आ जाए कोई। अब रेड लाइट पे वेट करो यार 40 सेकंड, ऐसे निकल तो सही गई बाइक भाई, साइडों में से जगह बच हुई थोड़ी थोड़ी, डिप्पर मारते मारते निकाल के ले गया भाई, हो जाओ भाई ग्रीन, ये भी कर ले थोड़ी सी आगे, i10 वाले भाई, हाँ बस बहुत है, अब मैं जब कम आगे तो लग जाऊँगा ना, सबसे पीछे से आगे तो आ जाऊँ थोड़ा सा, हो जा भाई ग्रीन हो जा, ओ भाई ग्रीन, ओहो अभी तो लग जाते भाई, चलो आगे तो आया कम से कम मैं, अब यहाँ से ले लूँगा भाई यू टर्न, ज़्यादा लंबा रूट नहीं ले रहा आज मैं, कॉल भी आ गई। चलो भाई यू टर्न ले लिया था और ग्रीन भी हो गई है लाइट, और ग्रीन हो गई थोड़ी रेड हुई भी है, तो अब यार कॉल आ गई थी, कॉल भी अटेंड करी है, चलो ग्रीन भी होने वाली है भाई, 11, 10, 11, 10, 11 ही हो रहा है इसका, तो अब वो तो गया भाई, डाउन हो रहा है भाई, ये लगा 10, 11, 10, 11 चल रहा है 10 से, तो कल अब ग्रीन की होगी नहीं होगी पता नहीं। चलो भाई ग्रीन हो गई, गाड़ी वाले को बेचारे को कहाँ रोक गया, लागे दुविधा में फंस गया गाड़ी वाला बेचारा, क्योंकि लोग पहले निकल जाते हैं, ऑरेंज होने में बंद होते निकलते रहे तो फंस जाते हैं,
अब जा रही है, लेट है, वेट करनी पड़ेगी यहाँ भी और क्या। चलो भाई निकल गए तरी ना भाई, अब बस एक छोटा सा काम है वो करते मैं घर पहुँचूँगा, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है, जैसा भी होगा और कुछ काम है या नहीं है। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं मेरी आवाज़ ज़्यादा आ पा रही होगी क्योंकि रोड खाली है और बातें भी मैं कर ही रहा हूँ। तो भाई थोड़ा आगे और आ चुका हूँ एक्चुअली, पता नहीं चला कॉल का भाई, कॉल आई मिस कॉल आई, क्या आया पता नहीं क्या हुआ और बंद ही हो गया यार, पता नहीं वीडियो ही बंद हो गई, पता नहीं चला कब बंद हुई, कभी कभी मैं दूरी जाती बातचीत क्या करें, कोशिश तो करता हूँ कि ना हो ऐसा, पता नहीं पहुँच में पता नहीं लगा ये क्या हुआ तो बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है चीज़ें, अब तो बस यार रेस्ट वेस्ट करूँगा, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस मैं सोचा थोड़ी बहुत तो बातचीत कर ही लूँ, उसके बाद देखेंगे रेस्ट वगैरह जैसे भी होगा करना ही है। कहाँ जाना है भाई, यहाँ से कोई राइड तो नहीं थी, तुम राइड में घुसते जा रहे हो। तो चलो भाई पहुँचता मैं अभी घर, और घर पहुँच के फिर बातचीत करेंगे। भाई आ गए घर पे और बाइक वगैरह सब पार्क कर दिए, वहाँ से आने के बाद थोड़े एक दो काम थे वो सब करे हैं, और उसके बाद रेस्ट वगैरह करना है, व्लॉग एडिट करना है और डिनर वगैरह करना है, तो करता हूँ उस व्लॉग को एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग नए बताओ सर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब नहीं ना, कल मिलते हैं, बाय।